नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है चालक, अचालक और अर्धचालक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ, वो भी दोस्तों उदाहरण सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके लिए बेल आइकन घंटे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने आपको अपना टॉपिक बता ही दिया है, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो दोस्तों, हम पहले चालक के बारे में जानेंगे कि चालक होता क्या है, चालक किन्हें कहते हैं, किन धातुओं को और किन पदार्थों को चालक कहा जाता है, आज इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है चालक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? चालक। तो दोस्तों, पहले आप चालक में लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं, जैसे पीतल, तांबा, लोहा आदि। तो दोस्तों देखिए, चालक ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुओं को कहते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ऐसी धातुओं को, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ऐसी पदार्थ, ऐसी धातुओं को हम चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों पीतल, तांबा, लोहा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ विद्युत धारा से जो मतलब है, या बिजली से है, मतलब दोस्तों गांव की भाषा में हम विद्युत धारा को क्या कहेंगे? बिजली कहेंगे। विद्युत धारा को क्या कहेंगे? बिजली। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, लोहा ले लीजिए, लोहा क्या है? चालक है। अब दोस्तों आप लोहे को बिजली के तार पर लगा लीजिए, तो क्या होगा? जो बिजली है उस लोहे के अंदर प्रवाहित हो जाएगी, हो जाएगी ना हो जाएगी। तो दोस्तों लोहा क्या है? लोहा चालक है, क्योंकि उस लोहे के अंदर बिजली जो है आसानी से प्रवाहित हो जाती है। यदि आप लोहे को बिजली के तार पर लगाएंगे तो जो लोहे के अंदर जो बिजली है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसी धातुएं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर बिजली जो है आसानी से प्रवाहित हो जाए, ऐसी धातुओं को, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ऐसी दोस्तों तांबा, तांबे को आप बिजली के तार पर लगा लीजिए तो तांबे के अंदर भी बिजली प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, पीतल है, पीतल को आप बिजली के तार पर लगा दीजिए तो बिजली, जो बिजली है ना दोस्तों, वो पीतल के अंदर भी प्रवेश कर जाएगी, पीतल के अंदर भी चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर बिजली आसानी से प्रवाहित हो जाए, ऐसे पदार्थ, ऐसी धातु को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब दोस्तों यदि आपको चालक की परिभाषा एग्जाम में लिखनी पड़े तो किस तरीके से लिखेंगे, वो भी उदाहरण सहित। तो दोस्तों आपको चालक में लिखना है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं, जैसे पीतल, तांबा, लोहा आदि। ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों आपको चालक की परिभाषा देनी है, बस इतनी ही लिखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है अचालक। क्या हेडिंग है दोस्तों? अचालक। अब दोस्तों हम अचालक के बारे में जानते हैं, चालक के बारे में हमने जान लिया, चालक किन्हें कहते हैं, चालक किन धातुओं, किन पदार्थों को हम चालक कहेंगे, ये तो हमने जान लिया। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वह है अचालक। अब दोस्तों हम अचालक के बारे में जानते हैं कि किन धातुओं को, किन पदार्थों को हम दोस्तों अचालक कहेंगे। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है अचालक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? अचालक। अब दोस्तों आप पहले तो अचालक में कुछ बातें लिख लीजिए, ताकि आप अचालक के बारे में कुछ बातें जान सकें। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती है अचालक कहलाते हैं, जैसे रबर, लकड़ी, कागज आदि। तो दोस्तों देखिए, ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती है, ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुओं को हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसी धातुएं, ऐसी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। दोस्तों यहाँ विद्युत धारा से जो मतलब है वो बिजली से है। विद्युत धारा का मतलब किससे है? बिजली से। यदि गाँव की भाषा में हम बात करें तो विद्युत धारा को हम बिजली कहेंगे, बिजली कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? बिजली कहेंगे। तो मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर बिजली जो है आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुओं को हम अचालक कहते हैं। जैसे दोस्तों लकड़ी है, लकड़ी क्या है? एक अचालक होती है। क्या होती है? अचालक होती है, क्योंकि लकड़ी के अंदर जो बिजली है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती। यदि आप लकड़ी को बिजली के तार पर लगाएंगे तो बिजली का
जो करंट है वो उस लकड़ी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जो बिजली है उस लकड़ी के अंदर नहीं जाएगी। तो लकड़ी क्या है, एक अचालक है, क्योंकि उसके अंदर बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी दोस्तों कागज है, कागज को आप बिजली के तार पर लगा लीजिए तो कागज के अंदर भी बिजली प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुएं जिनके अंदर बिजली या कह सकते हैं विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, ऐसी धातुओं को, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अचालक के बारे में तो जान चुके हैं, अचालक किसे कहते हैं। अब दोस्तों आप अचालक की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे ये समझिए। दोस्तों आपको लिखना है ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती है अचालक कहलाते हैं, जैसे रबर, लकड़ी, कागज आदि। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अचालक की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है अर्धचालक। अचालक के बारे में जान चुके हैं, चालक के बारे में जान चुके हैं, अब दोस्तों जानेंगे अर्धचालक के बारे में कि अर्धचालक किसे कहते हैं, आखिर ये अर्धचालक होते क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए अर्धचालक। तो दोस्तों पहले हम अर्धचालक में कुछ बातें लिखेंगे। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चालक व अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गीली लकड़ी आदि। तो दोस्तों देखिए, अर्धचालक ऐसे पदार्थों को, ऐसी धातुओं को कहा जाता है जिनके अंदर चालक के गुण विद्यमान होते हैं और अचालक के गुण भी विद्यमान होते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुओं को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, चालक के बारे में मैंने आपको बताया, अचालक के बारे में मैंने आपको बताया कि चालक उन धातुओं को कहते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ ऐसी धातुओं को चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ ऐसी धातु जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, ऐसी धातुओं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। अब दोस्तों जिन पदार्थों के अंदर, जिन धातुओं के अंदर चालक के गुण भी विद्यमान हो और अचालक के गुण भी विद्यमान हो, उन धातुओं को, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब दोस्तों आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों देखिए, लकड़ी क्या है, लकड़ी हमारी अचालक है। यदि लकड़ी हमारे पास सूखी है, सूखी यदि लकड़ी है और उस सूखी लकड़ी को आप बिजली के तार पर लगाते हैं, तो क्या बिजली जो है उस लकड़ी के अंदर प्रवेश करेगी, नहीं करेगी, तो उस समय लकड़ी क्या है, अचालक है। परंतु दोस्तों यदि आप लकड़ी पर पानी गिरेंगे, लकड़ी को पानी में भिगोएंगे और फिर बिजली के तार पर लगाते हैं, तो दोस्तों उस लकड़ी के अंदर क्या होता है, जो बिजली है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। बिजली क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है। मतलब गीली लकड़ी को यदि आप बिजली के तार पर लगाते हैं, तो गीली लकड़ी के अंदर जो बिजली है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो उस समय वह लकड़ी क्या है, चालक है। तो मतलब लकड़ी के अंदर चालक के गुण विद्यमान है, अचालक के गुण विद्यमान है। यदि सूखी लकड़ी है तो वह अचालक है, गीली लकड़ी है तो चालक है। तो जिन पदार्थों के अंदर, जिन धातुओं के अंदर चालक के गुण विद्वान हो और अचालक के गुण विद्वान हो, तो ऐसे पदार्थ, ऐसी धातुओं को हम दोस्तों अर्धचालक भी कहते हैं। तो लकड़ी को दोस्तों हम अर्धचालक भी कह सकते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर चालक के गुण विद्वान होते हैं, अचालक के गुण विद्वान होते हैं। तो ऐसे जितने पदार्थ होंगे, जितनी भी धातु होंगी, वो सारे क्या होंगे, हमारे अर्धचालक होंगे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अब दोस्तों यदि आपसे अर्धचालक की परिभाषा एग्जाम में लिखवाए तो किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चालक व अचालक दोनों के गुण विद्वान होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गीली लकड़ी आदि। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे अर्धचालक की परिभाषा है और उदाहरण है। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको चालक भी बता दिया, चालक किसे कहते हैं, अचालक भी बता दिया और अर्धचालक भी बता दिया, और किस तरीके से आप इनकी परिभाषा और उदाहरण एग्जाम में लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।